कह रहे हैं कि सेवन फ्रेंड्स हैं आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग इनसाइड द सर्कल। तो जो ये सात पर्सन है ये आपके टेबल के चारों तरफ बैठे हैं और सर्कल की तरफ देख रहे हैं। देखो जब आपको सेवन पर्सन को बैठाना होता है तो उसका डायग्राम जो है वो ऐसे बनाओ तब भी आपका सेम आंसर आएगा, ऐसे बनाओ तब भी सेम आएगा, ऐसे बनाओगे तब भी सेम आएगा और ऐसे बनाओगे तब भी सेम आएगा। ओके तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है किधर की तरफ स्पेस ज़्यादा छोड़ दे रहे हो। ओके सेवन पर्सन का आपको सीट बनानी है वो आप कैसे भी बना सकते हो। देन यहाँ पे कह रहे हैं इन विच बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो बी सी डी ई एफ जी, अब ए यहाँ पे मिस है, मतलब ये कह रहे हैं कि ए को छोड़ने के बाद जो बाकी के जो पर्सन बचे हैं वो इक्वल डिस्टेंस में बैठे हैं एक दूसरे से। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे कितने पर्सन बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं टोटल सात पर्सन। ओके टोटल सात पर्सन बैठे हैं, टोटल सात पर्सन में से जो छः पर्सन हैं वो छः पर्सन इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं और ये एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। देखो आप जानते होगे कि ये जो सर्कल होता है ये कितनी डिग्री का होता है, ये आपके 360 डिग्री का होता है। तो जब 360 डिग्री में जो छः पर्सन हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं तो वो कितनी डिग्री के डिस्टेंस पे बैठे होंगे, 60 डिग्री के डिस्टेंस पे बैठे होंगे। यानी कि एक्सेप्ट ए, ए को छोड़कर जो बी सी डी ई एफ एंड जी हैं ये सारे ही पर्सन जो हैं एक दूसरे से 60 डिग्री के गैप में बैठेंगे, लेकिन जो ए का गैप अदर पर्सन के साथ होगा वो 60 डिग्री जो है वो नहीं होगा। अब कितना होगा ये हमें नहीं पता है लेकिन 60 डिग्री नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो 60 डिग्री है इन छः पर्सन में कैसे बटेगा, ये 60 60 60 के अकॉर्डिंग बटेगा। तो अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। गिवन है ई इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, तो यहां पे हम बना लेते हैं सर्कल। मैं दो इसलिए बना रही हूं बिकॉज दो पॉसिबिलिटी आएंगी फिर आगे थोड़ा सा टाइम यहां पे वेस्ट होता है। देन गिवन है ई इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, जो ई है वो एफ के कैसे आएगा, थर्ड टू द राइट आएगा, तो एफ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तभी थर्ड टू द राइट आएगा। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो एफ जो है वो बी के कैसे बैठा है, इमीडिएट राइट में बैठा है। तो एफ जो है वो बी के इमीडिएट राइट में बैठा है तो इसका मतलब जो एफ और बी है उनका डिस्टेंस कितना होगा, 60 डिग्री होगा, सेम होगा, बिकॉज यहाँ पे बी सी डी ई एफ एंड जी जो इनके डिस्टेंस हैं वो कैसे हैं, सेम है। ओके देन उसके बाद गिवन है डी सिट्स एट एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम ए, तो डी जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा किससे, फ्रॉम ए, एंड 120 डिग्री फ्रॉम जी, और 120 डिग्री का जो एंगल बनाएगा वो फ्रॉम जी, मतलब जी से बनाएगा। उसके बाद गिवन है कि जी और सी जो है वो अपोजिट बैठेंगे एक दूसरे के, एंड इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, और जी जो है वो ए का इमीडिएट नेबर है। यहाँ पे इज गिवन है तो इसका मतलब होता है इसके जस्ट पहले वाला नहीं, जिससे लाइन स्टार्ट हो रही है उसको ये इज जो होता है वो डेडिकेट होता है। तो चलिए देखते हैं अब हम इसको कैसे फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट बिठाना है, 120 डिग्री का जो कॉन्सेप्ट बिठाना है उसको हम यहाँ पे पिक करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो डी है वो डी और ए के बीच में 90 डिग्री और डी और जी के बीच में 120 डिग्री का गैप होना चाहिए। सो मान लीजिए अगर हम डी को यहाँ रखते हैं तो हम 90 डिग्री को कैसे यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। देखो अगर डी यहाँ पर आता है तो ए जो है वो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ए यहां पे लेती हूं तो डी और ए के बीच में आपका जो गैप है वो कितने का आएगा, 90 डिग्री का आना चाहिए। बट क्या आप यहां पे 90 डिग्री का गैप दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे 1 2 3 4 5, ये जो 5 आएंगे ये कैसे आएंगे, आपके 60 डिग्री के आएंगे, यानी कि ये हो जाएंगे आपके 300 डिग्री। एंड जो बाकी के जो दो रेस्ट बचेंगे जो कि ए के इमीडिएट नेबर होंगे, क्योंकि ए का जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए ए यहां पर बैठा है, ओके सो यहाँ पे जो पर्सन बैठेगा और यहाँ पे जो पर्सन बैठेगा उससे इसका जो रिलेशन है वो 60 डिग्री का नहीं होगा, वो 60 डिग्री से कम का ही होगा।
ओके क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिवन था कि बी सी डी ई एफ और जी को छोड़ के बाकी सब जो है इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं. सो ए के जो दोनों बराबर का गैप होगा वो कैसा होगा? 60 डिग्री से कम होगा. तो यहाँ पे आप देखेंगे डी यहाँ पर आ रहा है और ए यहाँ पर आ रहा है, तो क्या हम डी और ए के बीच में 90 डिग्री ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं. ए जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता है. अगर ए मान लीजिए यहाँ पर आता है तो यहाँ पे जो पर्सन आएगा उसके बीच में और डी के बीच में कितने का गैप होगा? 60 डिग्री का गैप होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस चाहिए. ओके एक्सेप्ट ए. एंड यहाँ पे और यहाँ पे जो पर्सन है यानी कि ई, इनके बीच में भी कितने का गैप होगा? 60 डिग्री का होगा. तो आप देखेंगे इन दोनों को मिलाकर ही एक टोटल कितनी डिग्री हो जाएगी? 120 हो जाएगी, राइट? लेकिन हमको कितनी चाहिए? डी और ए के बीच में 90 डिग्री का गैप चाहिए. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो डी है वो कहाँ पर आएगा? डी यहाँ पर आएगा. अब आप ए को कहाँ रख सकते हैं? क्या आप ए को यहाँ रख सकते हैं? आप नहीं रख सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 डिग्री का गैप ही दे सकते हैं. ओके क्योंकि हमारा इक्वल तो डिवाइड ऐसे ही होगा, राइट? तो अब आप देखेंगे कि जो ए है वो कहाँ आ सकता है? यहाँ पे आ सकता है. यहाँ पे कैसे आ सकता है? डी और ई के बीच का जो गैप होगा वो कितना हो? 60 हो. 60 होने के बाद अगर ए यहाँ पर आ रहा है और हमें 90 डिग्री का गैप चाहिए, तो हम यहाँ पे कितना डिग्री दे सकते हैं? 30 डिग्री दे सकते हैं, बिकॉज ए के जो दोनों नेबर हैं वो 60 डिग्री से कम होंगे, मतलब इक्वल तो नहीं होंगे ना, और 60 डिग्री से ज़्यादा हो नहीं सकते हैं. तो यहाँ पे जब 60 डिग्री से इसके दोनों नेबर जो हैं वो कम एंगल पे बैठेंगे, तो मे बी हम इन्हें 30 दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 60 प्लस 30 करेंगे तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है डी और ए का. लेकिन यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है ये चेंज भी हो सकती है. चेंज कैसे हो सकती है? कि हम एफ को यहाँ पे बी, यहाँ पे जैसे गिवन है वैसे बैठा दे, यहाँ पर जो है वो डी आ जाए और यहाँ पर क्या आ जाए? ए आ जाए. तो इस हिसाब से क्या होगा? डी और ई के बीच का गैप तो 60 डिग्री रहेगा, लेकिन ई और ए के बीच का जो गैप है, जो ए का डिस्टेंस है ई के संग, वो कैसा होगा? 30 डिग्री होगा. तो 6 7 8 9 90 डिग्री का गैप बन गया डी और ए के बीच में. तब भी ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर चल रहा है. उसके बाद आप देखेंगे कि 120 डिग्री का हमें गैप चाहिए फ्रॉम जी डी से. तो डी से हमें 120 डिग्री का गैप चाहिए जी के लिए. तो आप देखोगे कि जी और जो ए है वो साथ साथ बैठेंगे, तो जी जो है वो यहाँ पर आ सकता है. ओके एंड ए के बराबर में जी यहाँ पर आ सकता है. अब डी और जी के बीच में 120 का गैप चाहिए, तो अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि 6 सॉरी मैं इसको एक बार दोबारा पढ़ती हूँ. डी सिट्स एट एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम ए एंड 120 फ्रॉम जी. ओके सो यहाँ पे आप देखोगे 6 7 8 9 90 डिग्री बन रहा है. तो 90 डिग्री बनने के बाद 120 डिग्री हमें चाहिए जी और डी के बीच में. तो रेस्ट कितना बचेगा हमारा? 30 डिग्री, बिकॉज 6 7 8 9 9 में से अगर आप 12 में से अगर आप 9 माइनस करोगे तो 30 डिग्री बचेगा. और ये हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट में भी गिवन है कि बी सी डी ई एफ और जो जी है वो आपकी इक्वल डिस्टेंस पे बैठेंगे एक्सेप्ट ए, यानी कि जो यहाँ पे डिस्टेंस आएगा ये सब 60 60 डिग्री का आएगा, लेकिन जो ई ए का जो डिस्टेंस है ई और जी को लेकर ये 60 डिग्री का नहीं होगा, ये जो है वो इनसे अलग होगा. तो अब आप यहाँ पे देखोगे डी और जी के बीच में कितने का गैप हो गया? ये गैप हो गया 120 का. ओके एंड जी के अपोजिट सी बैठेगा, तो सी आ जाएगा यहाँ पे. सेम यहाँ पर आप देखोगे तो जी के अपोजिट क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा. और डी और जी के बीच में हमें 120 का एंगल चाहिए, तो यहाँ पे आप देखोगे 6 7 8 9 90 यहाँ पे गिवन है. तो यानी कि जो ये होगा ये 30 डिग्री पे होगा, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, बिकॉज रेस्ट जो है हमारे 60 60 डिग्री के इक्वल होंगे. ओके सो जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी बनी रहेगी वैसी की वैसी ही, क्योंकि हमारे जो सारे पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मैच कर गए हैं, राइट? मैं एक बार दोबारा से इसको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ. मे बी आप लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न हो, और मुझे लगता है हो सकता है कि इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है. तो यहाँ पे ये गिवन था कि जो 7 फ्रेंड्स हैं उसमें से जो 6 हैं वो आपके कैसे बैठे? इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं. ओके सो जो 6 हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे कैसे बैठ सकते हैं जब उसमें से 60 60 डिग्री पे 5 बैठे? ओके एंड बाकी के जो आपका एक पर्सन आएगा उसके जो दोनों इमीडिएट नेबर आएंगे वो 60 डिग्री से कम हो, राइट? तभी ये पॉसिबल हो सकता है. तभी यहाँ पर जो आपके 1 2 3 4 एंड 5, ओके सो इस तरीके से आप देखेंगे तो हमारे 5 निकल कर आ रहे हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 एंड 6, लेकिन पर्सन कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं. जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 360 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री का आपको बीच में गैप होगा. तो आप बोलेंगे कि 6 पर्सन के बीच में हमें गैप चाहिए था, तो आप देखेंगे ई डी सी
एफ बी एंड जी, यानी कि 1 2 3 4 5 6, इन 6 पर्सन का जो आपस में गैप है वो 60 60 60 डिग्री ही है, लेकिन जो ए है उसका जो गैप जी और ई के साथ है वो 60 डिग्री से कम होगा। ओके वो कम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे मेंशन था कि इनके बीच में जो है वो इक्वल डिस्टेंस अदर पर्सन की तरह नहीं होगा। ओके सो आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो अब आप मुझे इस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन वो देंगे, इसका आंसर देंगे कि अगर मैं बी से क्लॉकवाइज की तरफ चलूँ, ओके सॉरी अगर मैं बी से एंटी क्लॉकवाइज चलूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज से बी और ए की जो टोटल डिग्री है यानी कि टोटल एंगल है वो कितना होगा? ओके सो बी से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूँ तो बी से लेकर ए तक का जो आपका एंगल होगा वो कितना होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। ओके सो मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, इन तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर अभी भी आपको डाउट है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में ही उसका रिप्लाई करके उस डाउट को सॉल्व कर दूंगी। ओके